महिलाओं को समर्पित है जो अपना पूरा जीवन अपनों के लिए बिता देती हैं, पर बदले में किसी से कुछ नहीं मांगती। वहीं आज की महिला ऑफिस और घर दोनों संभालती हैं, बिना रुके काम करती हैं। आज महिला पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। ऐसा ही कुछ करने जा रही हैं चंडीगढ़ की रहने वाली शिवांगी शर्मा, जो कि पेशे से वकील है और पूरा भारत घूमने की इच्छा मन में रखती है। इसी के चलते शिवांगी भारत भ्रमण पर अकेले ही निकलने वाली हैं, जिसकी घोषणा उन्होंने आज महिला दिवस के दिन चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान की। मैं अब 29 राज्य इंडिया के 39 दिन में कवर करने जा रही हूँ, जो कि एक चैलेंजिंग जॉब भी है, बट इसका मकसद ये है कि हमारे एक बहुत बड़ा ये फैलाई हुई बात है कि इंडिया जो है वो सेफ नहीं है लड़कियों के लिए। जब भी आप इंटरनेट पे सर्च करो तो पहली बात ये आती है कि हमारा देश तो सेफ ही नहीं है अकेली लड़की के लिए। पर ऐसा क्यों? जब मैंने इतनी जगह कवर की, अकेले कवर की, और मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। मैं ये नहीं बोलते कि जिनके साथ रेप होता है वो गलत हैं या कुछ भी उनके साथ बुरा हुआ। हमारा मेन ये है कि बेसिकली किसी कंट्री को हम क्यों स्टिग्माइज करते हैं, उसके साथ हम ये क्यों लगा देते हैं कि वो सेफ है या अनसेफ है। ये हालात होते हैं, कोई भी देश सेफ या अनसेफ नहीं होता। मेरे को ये मिथ तोड़ना है, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता। मेरे को वो हर नारी के लिए एक तरह से वो एक एम्पावरमेंट देनी है कि निकलो, जितना हमारा नारी शक्ति होगी उतना हमारा देश शक्तिमान होगा। एंड वी विल बी अ सुपर पावर तभी अगर हमारे जितनी भी लेडीज़ हैं उनको एम्पावरमेंट मिलेगी, वो बाहर जाएंगी। अगर मेरे तो एक ही मकसद है, अगर 10 लड़कियों को भी उनकी ज़िंदगी जीने का हक मिल जाए, अगर वो बाहर निकल जाए, तो मेरा तो ये शो और ये जो मैं करने जा रही हूँ मेरे लिए तो वो तब भी सक्सेसफुल हो जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दौरान वे 39 दिनों में देश के 29 राज्यों में घूमकर ये साबित करेंगी कि एक महिला कुछ भी कर सकती है। शिवांगी का सपना है कि वो पूरे भारत का भ्रमण करे और अपने इसी सपने को वो साकार करने जा रही है। लोग हमारे देश की खूबसूरती देख सके। हर कोई ये बोलता है पहले देखते रहेंगे खूबसूरत है, उसके बाद बोल देंगे यहाँ पे तो पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। हमेशा हम बुराई क्यों लेके आते हैं? किसी भी चीज़ को अच्छा बनने के लिए टाइम लगता है। तो मेरे को यही है कि हम अपने देश को इतना ज़्यादा अच्छा, जब मैं मेघालय गई थी, मतलब मैं देख के दंग रह गई थी कि हमारा देश इतना सुंदर है और लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में। लोगों को अभी भी वर्ल्ड टूर करना है, उनका सोच तो ये है कि 50,000-60,000 खर्चे जा रहे हैं तो हम इंडिया में क्यों ट्रैवल करें, हम तो बाहर जाएंगे ताकि वीज़ा एक स्टैम्प भी लग जाएगी। अपने देश को कोई ट्रैवल नहीं करना चाहता। मेरे को ये मिथ सारे स्टीरियोटाइप्स तोड़ने हैं। लड़कियों के बारे में ये बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अलग से माना जाता है, ये चंकी है, ये सारी चीज़ें मुझे तोड़नी है।